ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बाबा, हे साई, आज श्री साई सचरित्र का अध्याय 43 व 44 का अध्ययन होने जा रहा है। बाबा, हम बच्चों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, कृपा करें बाबा, ये अध्याय हम सब के चित्त में उतरे। ये अध्याय भी अति विशेष है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 43 व 44, महासमाधि की ओर। दूसरा, पूर्व तैयारी समाधि मंदिर, ईंट का खंडन, 72 घंटे की समाधि, बापू साहेब जोग का संन्यास, बाबा के अमृत तुल्य वचन। इन 43 और 44 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसलिए वे यहाँ संयुक्त रूप में लिखे जा रहे हैं। पूर्व तैयारी समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंत्यकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सदगति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और एक सप्ताह के पश्चात ही उनका अंत्यकाल निकट आया तो महात्मा सुखदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है। महानिर्वाण के समय गीता, भागवत और अन्य ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8वां प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने इस अध्याय को द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहे पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट ना किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन यानी 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोड़कर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपये देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागो जी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहेब निमोड़कर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा। तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे
उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुसंवाद दावानल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालक गण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रुदन करने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झर झर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसे दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पार ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साई बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज, साई बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। कृष्ण अवतार में भी चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की थी। श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों हाथों में आयुध शंख चक्र गदा और पदम सुशोभित थे। अपने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था। संतों की कार्य प्रणाली आगम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज श्री साईं बाबा दौरे पर चले गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यमन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशाल चंद और अमीर शक्कर को भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम में अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को वाड़े के अतिरिक्त अन्यंत्र कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हूँ, इसलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और कांकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के ज्योतिषी श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते। तत्पश्चात ही ग्राम देवियों और देवताओं का उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी, इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और जो ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो हिमांशु ने उन्हें अपने पाश में आबद्ध करके जड़वत बना दिया हो। स्वपन की स्मृति ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता ना कर विधिवत पूजन और कांकड़ आरती की। दोपहर बापू साहेब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्यान्ह आरती की। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बंबई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है। तब उन्होंने मतदान कराया और पाया कि अधिकांश लोगों का बहुमत वाड़े के पक्ष में ही है।
फिर भी वे इस विषय में कलेक्टर की स्वीकृति अति आवश्यक समझते थे। तब काका साहेब स्वयं अहमदनगर जाने को उद्यत हो गए, परंतु बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मत भी वाड़े के ही पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधिपूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान, जहां अनेकों भक्त आया जाया करते और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त भी श्री उपासनी ने बाबा की विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नारके को देखने में आया, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। ईंट का खंडन। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रख कर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके दो टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमाड पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थ ही अवतरीण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भगत महालसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो उस स्थान यानी एक स्थान की ओर इंगित करते हुए वहां पर बाबा ने बताया कि मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही ना हो। सभी लोग जिनमें ग्रामवासी भी थे वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे, परंतु भगत महालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे। श्वासोच्छ्वास पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए। इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम यह पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे
जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे। पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो सद्वस्तु यानी आत्मा अंतःकरण में है, वही यथार्थ में सत्य है। उसका ना रूप है, ना अंत है और ना नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म, इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है, वही साई है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था, और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गाड़गापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साई भी सदैव वर्तमान हैं। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है, वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं तथा सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रणकर्ता हैं। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ भी चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदृश चित्र मस्जिद यानी द्वारका माई को शोभायमान करते हुए अब भी देखने में आएगा। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त हैं और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही करते हैं, करते रहेंगे, जैसा कि सद्धे रहकर किया करते थे। बाबा अमर हैं, चाहे वे नरदेह धारण कर ले जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतरीण होते हैं। बापू साहेब जोग का संन्यास, जोग के संन्यास की चर्चा कर हेमाड पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग यानी PWD में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे सपत्नीक शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान ना थी, पति और पत्नी दोनों को ही साईं चरणों में अटल श्रद्धा थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बाबू साहेब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनको साठेवाड़ा में श्री ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की, हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में लीन नहीं हो। क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति कर संन्यास धारण कर लोगे।
कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई जिम्मेदारी शेष ना रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बाबा के अमृत तुल्य वचन। दयानिधि कृपालु श्री साईं समर्थ ने मस्जिद यानी द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति यानी आत्मोपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है। जिस तरह नदियाँ समुन्दर से मिलकर तदाकार हो जाती हैं, अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। यह मैं कौन हूँ? श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अतः हेमाडपंत पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदरपूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान हैं और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्री मुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेंगे या उनके भक्ति पूर्वक श्रवण करेंगे उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईराम।